चांदनी सड़क सिटी फूड रेस्टोरेंट के सामने एक व्यक्ति जिनका नाम मुन्ना शर्मा था आपराधिक तत्वों द्वारा जख्मी कर दिया गया है। उनके इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई है। घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। तो खबर पटना से है, जहां पर चेन स्नैचिंग का विरोध करने पर बदमाशों ने बीजेपी नेता श्याम सुंदर शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल वारदात सुबह 4 बजे की है, जहां पर तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकेंगे आप कि किस तरीके से अपराधी जो है पहले वो चेन स्नैचिंग की कोशिश करते हैं और जब वो चेन स्नैचिंग नहीं कर पाते हैं तो वो गोली मार के हत्या कर देते हैं। हालांकि पूरे मामले को लेकर के बीजेपी सरकार पर हमलावर है, सवाल पूछ रही है और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार से सुशासन के दावों की पोल खोलती तस्वीरें हैं। ये बिहार में छुट्टा घूम रहे अपराधियों के खिलाफ भड़के गुस्से की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं कि बिहार में आम जनता को छोड़िए, राजधानी पटना जैसे इलाके में नेता वीआईपी तक सुरक्षित नहीं है। जी हां, बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये विरोध प्रदर्शन बीते रोज राजधानी पटना में बीजेपी नेता मुन्ना शर्मा की हत्या के विरोध में है। बीजेपी कार्यकर्ता प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष मुन्ना शर्मा के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। हमारी टीम जो वहां पे थी एनएमसीएच, उनके परिवारजन ने ही बताया कि चेन जो है उनके गले में है, जो वो चेन पहनते थे, और जैसे कि मैंने बताया कि बहुत कम समय में गोली मारकर वहाँ से फरार हो गए। तो एक स्पष्ट कारण अभी इंक्वायरी चल रहा है, स्पष्ट कारण बताने में अभी एविडेंस कलेक्शन के बाद ही हम लोग बता पाएंगे क्या स्पष्ट क्या मोटिव रहा है। देखिए अभी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और आइडेंटिफिकेशन भी एक संदिग्ध का हुआ है, उसमें हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और सबका जो आइडेंटिफिकेशन है। पुलिस का कहना है कि बीजेपी नेता की हत्या चेन स्नैचिंग की कोशिश में हुई है, लेकिन राजधानी में हत्या जैसे अपराध को अंजाम देने की हिम्मत अपराधियों में कहां से आई, इसका जवाब पुलिस के पास नहीं है। हालांकि पुलिस का कहना है कि घटनास्थल के आसपास मौजूद सीसीटीवी फुटेजेस और मौके पर मौजूद सबूतों के बिना पर हत्यारे तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस की जांच सच्चाई के कितने करीब है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक तरफ पुलिस जहां हत्या को चेन स्नैचिंग से जोड़कर देख रही है तो दूसरी तरफ मृतक के परिजन इस दावे का खंडन कर रहे हैं। मंदिर बगल में मंदिर में दर्शन करके और टेम्पो के इंतजार में यहाँ पर थे और 3 बाइक सवार लड़का जो हेलमेट पहने हुआ आया है और चेन मोबाइल छीनने के दरमियान उनको गोली मार के चला गया। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस मामले में पटना पुलिस ने एक संदिग्ध की पहचान कर ली है और उसे दबोचने के लिए जाल भी बिछा दिया है। बहरहाल पटना पुलिस के दावों में कितना दम है ये तो अगले 1-2 दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार में बीजेपी वर्सेस नीतीश सरकार की इन तस्वीरों ने जता दिया है कि बिहार में बाहर हो या ना हो, लेकिन वहां इन दिनों अपराधियों की भरमार जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको वियतनाम की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर यागी तूफान इस वक्त कहर बनकर टूट रहा है। सीधे आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे, एक पुल किस तरीके से टूटा है और कुछ लोग समा जाते हैं। आप तस्वीरें देखिए, बेहद हैरान करने वाली ये तस्वीर है। यागी तूफान की वजह से लोगों को पुल के टूटने की कोई जानकारी नहीं थी, अंदाजा नहीं था। गाड़ियां आगे बढ़ रही थी, पुल से गुजरते वक्त कुछ लोग नदी में गिर गए, गाड़ियां गिर गई, जो कि तस्वीरों में आप यहां देख सकते हैं। सड़क से गुजर रहे यात्रियों से भरी एक बस भी नदी में गई है और हादसे में 13 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वियतनाम में यागी तूफान 241 किलोमीटर की रफ्तार से इस वक्त तबाही मचाता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एयरपोर्ट, रेल, बिजली, बिल्डिंग से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। तो दो तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं, 20 लोग इस नदी में बह गए हैं। पुल अंदेशा नहीं था कि ये पुल टूट जाएगा, इस तरह से टूटेगा। आप तस्वीरें देखिए, एक ट्रक आगे बढ़ रहा है और कैसे वो पुल का आधा हिस्सा टूट जाता है और नदी में ये पुल समा गया।
ट्रक नदी में समा चुका है, बस नदी में समा चुकी है, 20 लोग लापता हैं। और अब खबर भिलाई से है, जहां पर भिलाई में मजार और दुकान पर बुलडोजर का एक्शन हुआ है। दरअसल प्रशासन की ओर से अवैध निर्माणों को लेकर के बड़ी कार्रवाई की गई है। क्या है पूरी खबर, दिखाते एक मिनट की रिपोर्ट। बुलडोजर का एक झटका और देखते ही मीनार जमीं दोस्त। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के भिलाई की है, जहां नगर निगम का बुलडोजर अवैध निर्माण पर जमकर गरजा। क्या मजा, क्या दुकान और क्या शादी घर, सभी अवैध अतिक्रमणों पर प्रशासन ने ताबड़तोड़ एक्शन किया। सुबह करीब 5 बजे भारी पुलिस फोर्स के साथ नगर निगम की टीम जीई रोड पर स्थित मस्जिद के पास पहुंची। कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए पहले ही आसपास के थाने और चौकी से पर्याप्त पुलिस बल को बुला लिया गया था, जहां मस्जिद के नाम हुए अवैध निर्माण को देखते ही जमींदोज कर दिया गया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे धार्मिक ढांचे के नाम पर अवैध कब्जा किया गया था। भिलाई नगर निगम के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी के मुताबिक कमेटी की तरफ से अधार्मिक नाम पर व्यावसायिक अतिक्रमण की शिकायत मिली थी, इसके लिए उन्हें नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन नोटिस पर कोई जवाब ना देने पर मजार के आसपास बुलडोजर एक्शन लिया गया। कौन बना रहा है थ्री वे जिहादी प्लान, कौन है ये अमन के दुश्मन, बताएंगे आपको पूरी खबर। देखिए प्रहार मेरे साथ शाम 4:57 पर।